बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। हफ्ते यानी सैटरडे के दिन असर के बाद सिर्फ 313 मरतबा ये सूरत पढ़ लें, अल्लाह करोड़पति कर देगा, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसब क्या बताते हैं कि अल्लाह ताला करोड़पति कर देगा, अल्लाह ताला ये कर देगा, इतना रिज़्क दे देगा, कैसे पॉसिबल है? हमें तो कोई इसबाब नज़र ही नहीं आता। हम दिन भर में 100-200 रुपया मुश्किल से कमाते हैं दिहाड़ियों में, तो हमें कैसे करोड़पति हो जाएंगे, दिनों में कैसे हो जाएंगे? मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये आपके हाथ में नहीं है, रिज्क आपके हाथ में नहीं है। 12वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में जितने जानदार चीज़ें हैं अल्लाह ताला के ये ज़िम्मे, उन सब का रिज्क है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ देगा कि आप गुमान भी नहीं करते हो। एक और जगह फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लहु मख़रजा, कि जो अल्लाह ताला से डरता है, तक्वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रस्तों को निकाल देता है। एक और जगह फरमाया कि वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ठीक है, तो इस तरह की सैकड़ों आयतें हैं अहदीस के अंदर है। तो हमने, हमारा काम सिर्फ वजीफ़ा पढ़ना है, हमारा काम सिर्फ अमल करना है। वो ज़ात ऊपर बैठी हुई है, उसका काम है असबाब बनाना, दौलत आप तक पहुँचा। मैंने अब खुद देखे हैं लोग कि जो आज नहीं थे, कि ऐसे थे कि लोग उनके दरवाज़ों पर कर्ज के लिए दस्तक देते होते थे, आज वो करोड़पति बने हुए हैं। कैसे हुआ? उस ज़ात का करम हुआ। वो ज़ात आपकी पर ही करम करेगी। अगर वो अल्लाह उनका है तो अल्लाह वो आपका भी है। अल्लाह उनको दे रहा है तो अल्लाह आपको भी दे सकता है। पूरी कायनात दुनिया को हर चीज़ वो दे दे, उसके ख़जाने में इतनी कमी नहीं आती जितनी एक सुई को आप समुंदर में डुबो के निकालें उसके नक्के के साथ जितना पानी लगाओ। तो फिर इस चीज़ को छोड़ दें कि कैसे असबाब पैदा होगा। असबाब बनाना उसका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है अमल करना, वजीफ़ा करना, दुआ करना, इसमें आज़म पढ़ना, उससे हाथ उठा के मांगना, वो खाली झोलियों आपकी खुद भर देगा। तो इसलिए हफ्ते वाले दिन सैटरडे के दिन इस अमल को कीजिए, वो अपने ख़जानों से बहुत सा आपको अता करेगा। तो कौन सी सूरत है, वीडियो के नीचे करने लगूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पर मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। आपने करना क्या है? असर पढ़नी है सैटरडे वाले दिन, अपनी जगह से आपने उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है। आपका सीना किबले से नहीं फिरना चाहिए, आप जिस हैयत में है उसी हैयत में आपने बैठे रहना है। और अगर थक जाएं तो आप हैयत चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका सीने से सीना काबे से फिरे नहीं। उसके बाद आपने वहीं बैठे बैठे 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। उसके बाद आपने 313 मरतबा ये पढ़नी है सूरत सूरतुल कौसर, जो आखिरी 10 सूरतों के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका वल्लाह। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करनी, या अल्लाह तेरे ख़जाने में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो सबको सब कुछ भी अता करे फिर भी तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, बंदी हूँ, मेरे मुश्किल हालात हैं, परेशानी है, कर्ज़ों के अंदर हूँ, रिस्क की तंगी के अंदर हूँ, अल्लाह मेरे माली हालात को बेहतर फरमा दे, मुझे बेहिसाब रिस्क अता फरमा दे। जो तुमने कुरान में कहा यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, या अल्लाह ऐसे गुमान से ऐसी जगह से अता फरमा दे मुझे मालूम भी ना हो, मेरे सारे मसले मसाइल को हल फरमा दे। अल्लाह मेरे मुझे बेहिसाब रिस्क बेताशा दौलत अता फरमा दे। दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसी दुआ कबूल होगी कि दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप करोड़पति जरूर बनेंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।